महिंद्रा एक्सयूवी 300 फेसलिफ्ट के साथ में इंडिया के अंदर आने वाली है, लेकिन उसके ऊपर बहुत कम हमें न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि गाड़ी जो है वो आपको बहुत कम वेरिएशन के साथ में देखने को मिल रही है अभी, तो इस वजह से आप बोल सकते हो कि आपको जो है गाड़ी का लॉन्च थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। और लॉन्च डिले इसीलिए होगा क्योंकि रिसेंटली टर्बो GDI वाला वेरियंट इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, तो इस वजह से आप बोल सकते हो कि पुरानी वाली जो मतलब अभी वाली जो चल रही है वो अभी अभी रिसेंटली अपडेट हुई है, थोड़ी बहुत अलॉयज वगैरह चेंज हुए, तो इस वजह से आप बोल सकते हो कि नई वाली का लॉन्च थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो इस वजह से हम आपको अभी से वीडियो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी न्यूज़ आना स्टार्ट हो चुके हैं और हम तो आपको काफ़ी टाइम से वीडियो प्रोवाइड करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमें न्यूज़ देखने को नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए हमने आपको वीडियो भी प्रोवाइड नहीं करी। लेकिन अब थोड़े से मतलब कि अब जाकर थोड़े से चेंजेस हमें देखने को मिले, तो इस वजह से सोचा कि आपको भी इन्फॉर्मेशन के अंदर अपडेट कर दिया जाए, तो इस वजह से आज की वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। वीडियो को बिना स्किप के एंड तक पूरा ज़रूर देखना, आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी, प्लस आप प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए। बाकी इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना, आपके हर एक डाउट्स वगैरह जो होंगे XUV के बारे में वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी डिटेल में बात होने वाली XUV 300 फेसलिफ्ट के ऊपर, और जो लोग नए हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट होगी, बिना स्किप के एंड तक देख लेना। बाकी जो लोग पुराने हैं, सब्सक्राइबर हैं हमारी फैमिली से बहुत टाइम पहले ही जुड़ चुके थे, वो लोग अच्छे से जान रहे मतलब कि वो लोग अच्छे से जान चुके कि वीडियो को एंड तक वो लोग ज़रूर देखते हैं और ऐसे देखना ही चाहिए। बाकी एक्सटीरियर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले XUV 300 जब भी फेसलिफ्ट के साथ में आएगी तो उसके एक्सटीरियर के अंदर कितने चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं उसकी बात होगी। सबसे पहले फ्रंट की बात होगी, और फ्रंट के अंदर बात की जाए तो वहाँ पे सबसे पहले ग्रिल की बात होगी, और ग्रिल के अंदर देखा जाए तो नई वाली XUV 300 के अंदर ग्रिल के अंदर जो चेंजेस होंगे वो बहुत लिमिटेड हमें देखने को मिलने वाले, और ऐसा न्यूज़ के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। ऐसा इसीलिए होने वाला है क्योंकि ग्रिल के अंदर वहाँ पे बहुत कम आपको मतलब कि अंदर डिटेलिंग वगैरह के अंदर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पूरा यूनिट चेंज होगा ऐसी चीज़ नहीं होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो हेडलैम्प्स होगा उसके अंदर आपको ट्विक्स देखने को मिलने वाले हैं, DRL की प्लेसमेंट जो है वहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, हाई बीम लो बीम सब कुछ आपको LED के अंदर देखने को मिलने वाला है, फॉग लैंप्स की डिज़ाइन आपको चेंज देखने को मिल सकती है क्योंकि फ्रंट का बम्पर पूरा चेंज होने वाला है और रेडिएटर ग्रिल वगैरह चेंज होगा, तो इस वजह से आपको वो सारा जो पोर्शन है वो पूरा चेंज देखने को मिलेगा। इस वजह से फॉग लैंप्स की डिज़ाइन या फिर फॉग लैंप्स के प्लेसमेंट के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। मूव ऑन करेंगे साइड प्रोफाइल के अंदर, तो साइड से बात की जाए तो वहाँ पे आपको टायर साइज़ के अंदर सेम मतलब कि टायर साइज़ के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है। जो डायमेंशन होंगे उसके अंदर भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है क्योंकि डायमेंशंस के अंदर कोई चेंज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि फेसलिफ्ट आने वाला है, कोई न्यू जनरेशन तो आने नहीं वाली है। बाकी अलॉय व्हील्स की डिज़ाइन आपको बिल्कुल चेंज देखने को मिलने वाली है, तो सिर्फ अलॉय व्हील्स की डिज़ाइन आपको चेंज देखने को मिलेगी, उसके अलावा कोई भी चीज़ को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ साइड प्रोफाइल। मूव ऑन करेंगे रियर प्रोफाइल के अंदर, तो रियर के अंदर बात की जाए सबसे पहले टेल लैंप्स के अंदर ट्विक्स देखने को मिलेंगे आपको। एग्जैक्टली कैसे लगेंगे वो तो किसी को नहीं पता होगा अभी से, लेकिन हम आपको बोल सकते हैं कि वहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। अब एग्जैक्टली क्या चीज़ें होती है वो जैसे ही हमारे पास में न्यूज़ और ज़्यादा डिटेल में आती है आपको पता चल जाएगा। बाकी अभी तक तो इतना ही है। गाड़ी के साथ में सिंगल पेन सनरूफ एज इट इज़ आपको देखने को मिलने वाले हैं। बाकी आगे बढ़ेंगे और इंटीरियर के बारे में बात होगी कि आपको इंटीरियर के अंदर कितने चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाएगी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो होगा वो फुल्ली डिजिटल हमें देखने को मिलने वाला है। हो सकता है स्कॉर्पियो N वाला देखने को मिल जाए, लेकिन कोई कन्फर्मेशन नहीं है तो इस वजह से हम आपको 100% नहीं बता रहे। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुल डिजिटल आएगा वो तो पक्का है, और बहुत सारे फीचर्स को लेकर आने वाला है तो ये चीज़ भी कंफर्म है। तो ये सारी चीज़ें हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। बात की जाए इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो वो भी अपडेट होने वाली है, लेकिन उसके अंदर जो होगा वो साइज़ जो होगी इंफोटेनमेंट सिस्टम की वो बढ़ने वाली है, और 10 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलेगी। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको गाड़ी के साथ में देखने को मिलने वाला है। वायरलेस चार्जर भी आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा गाड़ी के साथ में। इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें होने वाली है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम प्लान कर रहे हैं कि आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दे, और जैसे ही वीडियो बनेगा आपके लिए अपलोड हो जाएगा। तो चैनल पर नए हो तो अभी से सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि वो इन्फॉर्मेशन या फिर वीडियो आप मिस ना कर दो। बाकी मूव ऑन करेंगे और फीचर्स के ऊपर,
तो आपको गाड़ी के साथ में फ्रंट की दोनों सीटें जो होगी वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिल सकती है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ड्राइवर सीट जो होगी वो तो कंफर्म है, लेकिन दोनों आएगी इलेक्ट्रिक के साथ में उसके ऊपर 50-50 चांसेस है अभी से। बाकी फ्रंट की दोनों सीटें वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ में होगी, जो रियर एसी मतलब कि रियर एसी वेंट्स जो अभी आपको नहीं देखने को मिल रहे वो भी फाइनली अभी रीइंट्रोड्यूस किए जाने वाले नई वाली XUV300 फेसलिफ्ट के साथ में रियर एसी वेंट्स प्रॉपर देखने को मिलेंगे। रियर की सीट के ऊपर तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। रियर की विंडो के ऊपर दोनों रिट्रैक्टेबल सनशेड आपको प्रॉपर देखने को मिलने वाले। मैंने ऑलरेडी बोला आपको सिंगल पेन सनरूफ वॉइस असिस्टेंट के साथ में आपको देखने को मिलने वाले। कनेक्टेड कार टेक के अंदर फीचर्स को बढ़ा दिया जाने वाले। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें जो थी वो आप हाईलाइटेबल पॉइंट के अंदर देख सकते हो। बाकी आगे बढ़ेंगे और इंजन और गेयरबॉक्स ऑप्शंस की बात होगी कि वहाँ पे कितने चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात की जाए तो 1.2 टर्बो पेट्रोल और 1.5 डीजल अभी वाली 300 के साथ में हमें देखने को मिलता है, और वही सेम चीज़ हमें नई वाली 300 के साथ में भी देखने को मिलने वाली। लेकिन चेंज क्या होगा, तो नई वाली के अंदर जो ऑटोमेटिक आएगा उसके अंदर डीजल के साथ में आपको ऑटोमेटिक के नाम पे AMT को रिप्लेस करने वाला है टॉर्क कन्वर्टर। तो ये बहुत तगड़ी चीज़ होने वाली है, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी है, थार वगैरह के अंदर वो लोग यूज़ करते आ रहे हैं, तो इस वजह से इस गाड़ी के साथ में भी अभी फाइनली वो लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और चीज़ की बात की जाए टर्बो पेट्रोल के साथ में AMT आएगा या फिर उसको भी DCT गियरबॉक्स रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन सिर्फ थी डीजल के ऊपर, और वो भी कंफर्मेशन नहीं लेकिन सिर्फ न्यूज़ आई है, तो इस वजह से हमने आपको बता दी। बाकी जैसे ही कुछ कंफर्म होता है आपको तो पता ही है कि एज़ यूजुअल की जैसे ही वीडियो आपके लिए नहीं बनेगी आपको वो चीज़ बता दी जाएगी। बाकी ये सारी चीज़ें इस पॉइंट के ऊपर या फिर अभी वाली डेट के मतलब कि अभी वाली डेट तक तो इतना ही न्यूज़ हमें देखने को मिल सकता है या फिर मिल रहे हैं। बाकी अभी लॉन्च और प्राइसिंग के बारे में बात होगी जिसके लिए आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो। सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग के बारे में और उसके बाद हम आपको लॉन्च डेट के बारे में बताने वाले हैं। 7.5 से 13 लाख एक शोरूम प्राइसिंग, जो कि ऑन रोड की बात करें तो ऑलमोस्ट 16 लाख ऑन रोड आप मान के चल सकते हो, तो 7.5 या फिर मतलब कि 9 लाख से लेकर 16 लाख ऑन रोड आप मान के चल सकते हो प्राइसिंग गाड़ी की। लॉन्च की बात करें कि कब लॉन्च हो सकती है, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2023 के एंड तक या फिर उसके बाद, तो नवंबर एंड या फिर दिसंबर स्टार्टिंग से ऑनवर्ड्स, तो दिसंबर 2023 से लेके 2024 की जनवरी, तो यहाँ तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जैसे ही कुछ न्यूज़ के अंदर चेंजेस आते हैं आपके लिए नया वीडियो बन जाएगा। बाकी आपको भी पता है कि ये वाली इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो क्या करना है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने ऑटो एंथुजियास्ट फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर नए हो तो प्लेलिस्ट को रेफर कर लो। बाकी सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।